NH-52 राजगढ़ पुलिया के पास कार से 15 लाख के डोडा पोस्त तस्करी मामले में आरोपी 3 दिन के रिमांड पर। चूरू के NH-52 राजगढ़ पुलिया के पास कार से 15 लाख के डोडा पोस्त तस्करी के मामले में दूधवाखारा पुलिस ने गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिनमें से 2 आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लिया है, जबकि 3 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। मामले की जांच कर रहे दूधवाखारा थाना अधिकारी रतनलाल ने बताया कि चूरू की कोतवाली पुलिस ने कार में मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाए जा रहे डोडा पोस्त को जब्त कर मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार 5ों आरोपियों को रिमांड अवधि पूरा होने के बाद शुक्रवार को फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से नरेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह को फिर से 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है, जबकि भैरू लाल, तेजपाल सिंह राठौड़ और पुरुषोत्तम दास सिंधी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। गांव दूधवाखारा में दबंग के डर से बुजुर्ग दंपत्ति ने किया पलायन, एसपी दफ्तर पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। चूरू के दूधवाखारा में एक दबंग के डर से बुजुर्ग दंपत्ति को गांव से पलायन करना पड़ा। बुजुर्ग दंपत्ति ने धमकियों के डर से अब गांव छोड़कर चूरू में रहना शुरू कर दिया है। पीड़ित बुजुर्ग ने शुक्रवार को एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी जय यादव ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गांव दूधवाखारा के 77 वर्षीय बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ दूधवाखारा में रहते हैं। उनके दोनों पुत्र रोजगार के लिए मुंबई रह रहे हैं। उनके पुत्र सोम प्रकाश के पास गांव का ही पवन कुमार सारण नौकरी करता था, जिसने वहां सोम प्रकाश के साथ धोखाधड़ी करके लाखों रुपए का गबन कर लिया। इस संबंध में सोम प्रकाश ने मुंबई के पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया तो आरोपी पवन कुमार वहां से फरार होकर गांव आ गया। मुकदमे की रंजिशवश पवन कुमार अब शराब पीकर दोनों पति पत्नी को आए दिन परेशान करता है। रोजाना घर के सामने आकर मारने की धमकी देता है और मोबाइल पर कॉल कर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते हुए अंजाम भुगतने और जान से हाथ धो बैठने की धमकी देकर गंदी गालियां निकालता है। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि वह खुद हार्ट पेशेंट है और उनकी पत्नी भी बीमार रहती है। 2 दिन पहले भी आरोपी युवक ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए धमकी भी दी, जिसके बाद वे गांव छोड़कर चूरू आ गए। अब 2 दिन से गांव छोड़कर उन्हें चूरू में ही रहना पड़ रहा है। NH-52 रतन नगर के पास कार से 5 लाख की अफीम जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। चूरू के NH-52 रतन नगर के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक कार से 5 लाख की अफीम जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक NH-52 पर नाकाबंदी की गई थी, तभी रामगढ़ की तरफ से एक कार आई जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। संदेह होने पर कार की तलाशी ली गई तो उसमें 2 किलो अफीम बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने कार सहित अफीम जब्त कर हरियाणा निवासी आरोपी तस्कर 33 वर्षीय रोहतास मेघवाल और 50 वर्षीय अशोक कुमार अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कलेक्ट्रेट में VC के माध्यम से ली समीक्षा बैठक, अवैध कॉलोनियों के मामलों के निस्तारण के दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में VC के जरिए जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक सेवाओं व राजस्व मामलों की समीक्षा की तथा पेंडिंग मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने राजस्व अतिक्रमण व कन्वर्जन के प्रकरणों पर चर्चा करते हुए पेंडेंसी समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध कॉलोनियों की जाँच करने तथा बिना कन्वर्जन के कॉलोनी विकसित होने पर समुचित कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आंधी और बारिश के दौरान जिले के सभी उपखंड क्षेत्रों में बिजली व पेयजल आपूर्ति बाधित होने की घटनाओं की जांच करें तथा यथाशीघ्र निस्तारण करें। बिजली तारों के टूटने और खंभों के गिरने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने पर व्यवस्था को यथाशीघ्र सुचारू किया जाए। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए पूर्व तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। दूधवाखारा पुलिस ने हिस्ट्री शीटर इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर किया कोर्ट में पेश, भेजा जेल।
चुरू की दूधवा खाना पुलिस ने साल 2017 में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में हिस्ट्री शीटर इनामी बदमाश सुरेश नाई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 50,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट और शराब तस्करी के 15 मुकदमे दर्ज हैं। चुरू ASP लोकेंद्र ने बताया कि चुरू के गाँव बूटिया निवासी सुरेश नाई को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और चुरू पुलिस ने 2017 से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी को बेंगलोर से 2300 किलोमीटर पीछा करते हुए सालासर से गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए ठिकाने बदलता रहता था। बहरहाल इनामी अपराधी पुलिस गिरफ्त में है, जिसे दूधवा खराब पुलिस ने 2017 के एक हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। सुरेश नाई है इसका बदमाश का नाम और ये बूटिया गांव का रहने वाला है। सन 2017 का इसका एक मुकदमा था अटेम्प्ट टू मर्डर का। पूर्णाराम नाम के कोई व्यक्ति थे वो और उनके चाचा जा रहे थे, उनको गाड़ी से इसने टक्कर मारी थी और उसके बाद ये फरार हो गया था। इसका कोर्ट से स्टैंडिंग वारंट भी निकला हुआ था। अभी हमारी जिला पुलिस की टीम और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है ACTF है, तो उनके सामूहिक प्रयास से इसको दस्तियाब किया गया था और अभी इसको जो दुधवा खराब पुलिस है उसने जेल से प्रोडक्शन पे इसको प्राप्त किया। अब तीसरा इसको इसी ज़िले में यह है कि बाहर से कोई सूचना थी कि ये इधर जिले की तरफ आ रहा है, इसका मूवमेंट था तो यहीं ज़िले से गिरफ्तार किया था। 50,000 का इस पर इनाम था और जिला स्तर पर भी और रेंज स्तर पर भी ये टॉप 10 में वॉन्टेड था। इसमें सभी तरह के हैं, जो संगीन किस्म की वारदातें अपराध होते हैं 307 का है, 308 का है, 302 का मुकदमा भी पेंडिंग है और एक्साइज के मुकदमे हैं इसके, मारपीट सिंपल जो मारपीट होती है वो भी मुकदमे हैं। टोटल कुल मिला के 15 मुकदमे हैं इसमें।